बिग बॉस OTT जीतने के बाद कंट्रोवर्सी, प्लेग्राउंड में आने के बाद कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी हो तब भी अच्छी बात है, ना हो अगर एल्विश यादव व्लॉग बना दे तो कंट्रोवर्सी। गेमिंग चैनल पर 8 महीने के बाद एल्विश यादव की वापसी हुई और एक बड़ी कंट्रोवर्सी एक बार फिर क्रिएट हो गई। क्या एल्विश यादव ने किया मनीषा रानी की इंसल्ट, या लाइव स्ट्रीम में एल्विश यादव ने जानबूझकर नेगेटिव एडिट्स पर किया रिएक्ट? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा TV का। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नेगेटिविटी ढूंढोगे तो हर एक चीज़ में आपको मिल जाएगी, चाहे वो एल्विश यादव हो, मनीषा रानी हो। जब किसी का नाम होता है तो जाहिर सी बात है वही बदनाम भी होता है, नेगेटिविटी उसी के खिलाफ ज़्यादा की जाती है, चाहे वो मनीषा के खिलाफ हो चाहे वो एल्विश यादव के खिलाफ हो। मैं आपको ये बात पूरी इस वीडियो में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मनीषा जी को आप हेट क्यों ही दोगे, मनीषा को आप शेड कैसे कर सकते हो। मनीषा इज सो क्यूट और वाकई में मनीषा का दिल भी बड़ा है, मनीषा वाकई में दिल की साफ लड़की है। मनीषा रानी कोई भी यूं ही वही कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हैं हाइप के लिए या फिर किसी को बदनाम करना हो। लेकिन एल्विश यादव की जहां तक बात रही, एल्विश ने एक वीडियो पे रिएक्ट किया, दरअसल ये एक एडिट था, पहले मैं चाहूंगा ये क्लिप है, इसको एक बार को पूरा देख लीजिए। इसका भी कुछ गलती बना रखा होगा। 5 करोड़ ले ले मेरा, मत बनाया करो यार ये सब भाई। Doesn't seem good. गाली गलौच वाले ऐसे जिसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट हो, इसकी नहीं किसी की नहीं, मेरी मेरी कर लो। चलो यार मत भाई, तुम्हारा पर ऐसे मोमोज खाने वाले भाई क्या आप। तो ये था पूरा क्लिप, लेकिन ये क्लिप जैसे ही सामने आया उसके बाद लोगों ने एल्विश यादव को हेट देना शुरू कर दिया, ये कहकर कि हम अब तक ये समझ रहे थे कि एल्विश यादव मनीषा के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो अपनी आर्मी, अपने कुछ फैंस और फैंडम के चलते उन्होंने मनीषा की डिसरिस्पेक्ट की है इस एडिट को देखने के बाद। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, एडिट पर रिएक्ट करके पहले फुकरा इंसान भी फंस चुके हैं, फुकरा इंसान को भी कई बार ट्रोल किया गया है, लेकिन ये पहला मौका था जब एल्विश यादव गेमिंग चैनल पर आए और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोग को जवाब दिया और बहुत सारी रील्स और एडिट पर उन्होंने रिएक्ट किया, और उसमें से एक एडिट था मनीषा रानी का, जिसके बाद एल्विश ने ये बात कही कि देखो मनीषा के खिलाफ कोई भी इस तरीके की एडिट मत बनाइए, किसी के लिए भी मत बनाइए, अगर आपको गाली देना है तो आप मुझे गाली दे लो लेकिन मनीषा को गाली मत दो। ये पॉइंट था एल्विश यादव का, लेकिन इसको कुछ लोगों ने नेगेटिविटी में लिया और कुछ एल्विशा फैंस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि देखो एक चीज़ तो है कि आप हर्ट हो जाते हो एल्विश यादव से हो या फिर मनीषा रानी से हो, क्योंकि लोगों का दिल का कनेक्शन है मनीषा रानी से। इवन मैं आपको खुद बता रहा हूं, जब भी मनीषा के खिलाफ कुछ बात होती है तो हम ही सबसे पहले स्टैंड लेते हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हो। इवन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर एल्विश यादव सही हैं या फिर एल्विश गलत हैं, लेकिन फैंस को भी ये बात समझनी चाहिए कि इन द एंड एल्विश ने एडिट्स को बनाने को मना किया है कि मनीषा के खिलाफ इस तरीके की नेगेटिव एडिट्स ना बनाई जाए और ना ही चलानी चाहिए। तो ये तो शायद मुझे लगता है कि एल्विश ने कहीं ना कहीं मनीषा को ही सपोर्ट किया है, मनीषा के खिलाफ कोई भी एडिट्स नहीं चलाए हैं। और आपको पता होगा कि ये तो फैंडम की लड़ाई है, हर एक फैंडम में किस तरीके के एडिट्स बनाए जाते हैं, नेगेटिव एडिट्स बनाए जाते हैं, और उन्हीं में से कुछ नेगेटिव एडिट्स एल्विश यादव के पास पहुँचा, जो कि मनीषा का भी था, फुकरा इंसान का भी था, और कुछ एल्विश यादव के भी नेगेटिव एडिट्स थे। तो ये वो कॉन्ट्रोवर्सी है जो इस समय सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रही है, सिर्फ मनीषा स्क्वाड ही नहीं, एल्विशा फैंस हो जाएं, मनीषा के फैंस हो जाएं, लगातार एल्विश पर उनका गुस्सा फूट रहा है। अब जाहिर सी बात है आप गुस्सा भी उसी से होते हो जिससे आपका रिश्ता होता है, जिसके आप फैन होते हो, जिससे आपका दिल का कनेक्शन होता है। तो यहां पर जो भी फैंस हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि एल्विश ने उस एडिट बनाने वालों को रोका है, न कि उन एडिट बनाने वालों को बढ़ावा दिया है। तो फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन एल्विश के इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर, आप क्या कहना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।